नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला रहे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से एनजीओ की व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचेगी, वहीं सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से एनजीओ अवगत हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक उद्देश्य के साथ कार्य करने वाले एनजीओ को जनसेवा के बेहतर अवसर दिए जाएंगे, ऐसे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर स्वैच्छिक क्षेत्र सेवा केंद्र की स्थापना हुई है। केंद्र द्वारा सतत रूप से द्विपक्षीय संवाद किए जा रहे हैं। उन्होंने एनजीओ के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में स्वयंसेवी संस्थाएं अपना सहयोग करें। जहां अतिवृष्टि या बाढ़ वाढ़ जैसी स्थिति होती है, उसका आंकलन किया जाता है और जो भी नुकसान होता है उसको नेचुरल कैलिमिटी फंड से हम अनुदान देते हैं। तो मैं जिलाधीश महोदय से बात करके जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका आंकलन करवाएंगे। रामगढ़ भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ विधानसभा के ग्राम चोमा विद्यालय में तिलक लगाने को लेकर हुए विवाद की जानकारी ली। पीड़ित युवक युवराज ने बताया कि तिलक लगाकर स्कूल गया था, जिस पर बाहर से आए लोगों ने लाठी डंडे से मुझे पीटा और मेरे सिर पर वार करने की कोशिश की। मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ सुरेश खामरा ने कहा, प्रतिदिन सनातन धर्म पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और सनातन धर्म के लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह की हरकत हिंदू सनातन धर्म पर कई बार हो चुकी है और साफिया खान विधायक आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करवाती रहती है। वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस का अंत होने वाला है। 2-3 महीने और बाकी बचे हुए हैं और सनातन धर्म जो है वो जाग चुका है। रूप नारायण समरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रूप नारायण, एक लड़के पे जो कुछ लोग हैं जिन्होंने उस पर हमला किया तिलक लगाने को लेकर, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और इस पे सियासत भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि गर्मा गई है। जी बिल्कुल शालिनी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है सियासत गरमाने के लिए काफी है, क्योंकि मामला है तिलक लगाकर लड़के को जो है तिलक देखते हुए उसके साथ मारपीट की गई और इसको जो है सांप्रदायिकता का रंग निश्चित रूप से दिया जा रहा है कि तिलक लगे हुए लड़के को कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मारपीट किया जाना, और उस हालात में जो है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों का सक्रिय होना कि इस तरीके से जो है सनातनी लोगों पर जो है आक्रमण होता है, तो ये आक्रमण अब सहन नहीं किया जाएगा। इस सब तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जो यहाँ विधायक है साफिया खान वो कांग्रेस से है और माइनॉरिटी से है, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जो यहाँ पे है गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है इस मामले को लेकर, और दोनों ही दल जो है इस पे अपने आरोप प्रत्यारोप का लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रूप नारायण हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे हम जुड़ेंगे। पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा डीजे का प्रयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने आपत्ति जताई और पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया है। पुलिस के इस रवैये को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। मामले को बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम मौके पर पहुंचे।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने मेड़ता रोड से पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशनों के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के पश्चात इस मार्ग पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से रन ट्रायल करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ दिसंबर 2023 तक संपूर्ण विद्युतीकरण की दिशा में जोधपुर मंडल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुल 1626 में से अब तक 842 किलोमीटर रेल खंड का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर राजेश मोहन ने जोधपुर रेल मंडल के डीएमआर पंकज कुमार सिंह के साथ इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन में मेड़ता रोड जंक्शन से पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर सफल रन ट्रायल किया है। इससे विद्युतीकरण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन ने मेड़ता रोड से पीपाड़ रोड रेलवे स्टेशनों के बीच 57 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर में पूरी की है। बहुत कम समय में यात्रियों को की सुविधा को बढ़ाने के लिए ये कार्य हो रहा है और भारत सरकार की पूरी पहल है ये, और हमें टारगेटेड तरीके से इसे पूरा करना है। सभी इंजीनियर्स पूरे तरीके से इसमें काम में लगे हुए हैं और इसमें यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। वेटिंग हॉल अच्छा होगा, बाकी जो सुविधाएँ हैं वो पूरी अच्छी होंगी। स्टेशन का रूप भव्य दिखेगा सामने से, और साथ ही मेटा रोड के बारे में और बताना चाहूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो प्लेटफॉर्म की लेंथ कम थी वो कार्य बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया था, और ये रेलवे के इंजीनियर्स ने नए तरीके से समझ करके नए टेक्निक से उन्होंने काम किया है सभी डिपार्टमेंट ने मिल करके, और इससे यात्रियों की सुविधा में बहुत ही फायदा हुआ है, सेफ हो गया है। इस खबर पर रूप नारायण सांवरिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, इलेक्ट्रिक ट्रेल जो है उस सफलता पूर्वक उसका ट्रायल पूरा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि लोगों को इससे कितना फायदा होगा। देखिए शालिनी, ये जो है रेलवे की जो विद्युतीकरण का मामला, विद्युतीकरण का कार्य यहाँ पे चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। विद्युतीकरण जहाँ जहाँ हो गया वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो है चल रही है, और जहाँ से बात करें अगर स्पीड की तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ये ट्रायल पूरा किया गया, और लोगों को जो है बड़ी सहूलियत इससे हो रही है कि जिस तरीके से परंपरागत तरीके से जो रेल थी जो धुआं निकालता था उससे तो प्रदूषण भी होता था, लोग परेशान भी होते थे, उनकी स्पीड भी कम होती थी, लेकिन आज जो है तेज स्पीड से जो है ट्रेनें चलने वाली और पॉल्यूशन कम करने वाली ट्रेनें यहाँ पे स्थापित हो गई है। तो विद्युतीकरण के कार्य के बाद जो है आम जन को नई ट्रेनें मिल रही है और इनसे जो है यातायात सुगम हो गया है, वो अपने गंतव्य स्थान पर जो है बड़ी तेजी से और कम समय में पहुंच रहे हैं। जी रूप नारायण, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। जोधपुर रातानाडा थाना क्षेत्र के सैन्य इलाके में महिला और उसकी बेटी की बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भिजवाया है। वहीं एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रातानाडा थाना क्षेत्र के सैन्य इलाके में महिला अपनी छोटी बच्ची और पति के साथ रहती थी। महिला का पति सेना में कार्यरत है, जबकि महिला नेपाल की बताई जा रही है। आज सुबह फैमिली क्वार्टर में दोनों की बॉडी जली हुई हालत में मिली है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा है या हत्या। आरपीएस प्रोबे मनीषा ने बताया कि रातनाडा थाना क्षेत्र के सैन्य क्षेत्र के फैमिली क्वार्टर में आग से मां और बच्ची की मौत की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया, बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया गया है। हादसा है या हत्या ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तो वहाँ पे आग लगने से एक माँ और बच्ची की डेथ हो गई। तो टीम हमारी मंदिर पे पहुंची, देखा रूम में आग लगने से माँ और बच्ची दोनों की डेथ हो गई, और तो मौके पे एफएसएल टीम को बुला लिया गया, एमओजी को बुला लिया गया, प्रॉपर एविडेंस लेके और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आगे जो ये घटना तकरीबन 4 बजे की है और हमें 6 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी। जी
अभी तक की तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आग लगने से हुआ है, तो अभी तो जो अग्रिम अनुसंधान होगा उसी के बेस पे डिसाइड करेंगे चीजें। पाली के रानी उपखंड क्षेत्र के बॉडी गांव के अंदर दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास एक बस नाडोल से बॉडी की ओर आ रही थी। इसी दौरान तेज नदी के बहाव के पानी से गड्ढे के बचने को लेकर रपट से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही लोगों की मौके पर भीड़ जो है वो लग गई थी, जिसके बाद क्रेन की सहायता से बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रुक करते हैं खबरों की ओर। अबू रोड शहर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच रेलवे स्कूल के पास और शहर के मुख्य मार्ग पर शिवरेज कंपनी के चैम्बर के पास सड़क धंसकर क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के धंसने के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर एक तरफा यातायात बाधित हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर की तमाम सड़कों पर जो सीवरेज के कार्य है के बाद सड़कों पर पानी भरने से कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दलदल में जो है वो तब्दील हो गए हैं, जिससे सड़कों पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों और आमजन का सड़कों पर अब चलना मुश्किल हो गया है, जिससे हादसे की भी आशंका बनी हुई है। पूर्व में भी सीवरेज कार्य के दौरान एक युवक की मौत हो जाने के बाद भी सीवरेज कंपनी की शहर में कार्य को लेकर लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। बारिश के बीच सड़क पर जगह जगह हुए गड्ढों के बीच लोग अपनी जान को लेकर जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। सिरोही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। पहली पारी में 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। पहली पारी में बता दें कि 3,440 परीक्षार्थियों में से 1,634 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी भी शुरू हो चुकी है। दूसरी पारी भी शांतिपूर्ण तरीके से तय समय दोपहर 1:30 पर परीक्षा केंद्रों के गेट बंद हो गए और द्वितीय पारी की परीक्षा में कुल 2,997 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वहीं द्वितीय पारी में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। साथ ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच द्वितीय पारी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भवनलाल पूरी तरह से आयोजित होने वाली परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। रूप नारायण समरिया हमारे संवाददाता इस खबर पे बने हुए हैं। रूप नारायण, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, तो लोग एग्जाम देने आए और प्रशासन इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए शालिनी, ये जो है भर्ती परीक्षाएं राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी हुई है, तोहिन हुई है। इन सबको चलते हुए जो है सरकार ने जो है साफ निर्देश दिया स्थानीय लीडरशिप को, प्रशासन को, कि ये जो परीक्षा है उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और बिना किसी लापरवाही की ये परीक्षा यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जा रही है। चप्पे चप्पे पे जहाँ पुलिस है वहीं पे जो है खुद जिला कलेक्टर इस परीक्षा को जो है देख रहे हैं, पूरी देख रेख उनके नजर के सामने हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये साफ क्लियर है कि प्रशासन मुस्तैद है और मुस्तैदी के चलते जो है परीक्षा में आने वाले छात्र छात्राएं हैं वो बड़ी आराम से परीक्षा दे रहे हैं और अभी तक किसी तरीके का कोई यहाँ व्यवधान सामने नहीं आया है। जी शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया रूप नारायण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। बीकानेर भाजपा के लालगढ़ मंडल के अध्यक्ष विनोद करोल कल दोपहर से लापता बताए जा रहे हैं। इसको लेकर परिजनों ने बीछवाल थाने में गुमशुदगी का जो मामला है वो दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई है। वहीं मेयर सुशीला कंवर ने भी मामले को लेकर एसपी तेजस्वनी गौतम से बात की। इस दौरान मेयर ने लोगों से कोई भी जानकारी होने पर पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। इसके अलावा थाना अधिकारी महेंद्र दत्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें बनाकर तलाशी जो है वो लेने की बात कही। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष विनोद करोल की गाड़ी
शोभासर के पास मिल गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां तीन पुलिस थानों के वांटेड को खाजूवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खांगरिया, तलवाड़ा, जांबा पुलिस थाने का आरोपी मोस्ट वांटेड है। नशे की तस्करी के मामले में वांछित चल रहा था। खाजूवाला थाने अधिकारी राम प्रताप वर्मा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम प्रताप वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में अवैध मादक पदार्थ भरकर लाए जा रहे हैं। पुलिस ने पीछा कर कार को चेक किया तो मादक पदार्थ तो नहीं मिला, लेकिन कार सवार वांटेड निकला, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि फलौदी निवासी 24 वर्षीय आरोपी मादक पदार्थों के मामले में वांछित चल रहा था और पुलिस पर हमले करने का भी इस पर मामला दर्ज है। झालावाड़ के सुनैल के सैमली गांव में देवर भाभी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है, जहां देवर और भाभी एक दूसरे को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए गए। वहीं दोनों घायलों को सुनैल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहां डॉक्टर ने दोनों का उपचार कर देवर को सर्जिकल आईसीयू और भाभी को मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद प्याज की फसल लगाने को लेकर हुआ, जिसमें सबसे पहले देवर के द्वारा अपनी भाभी पर चाकू से हमला किया गया। वहीं इस मामले में झालावाड़ अस्पताल चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि दोनों को घायल अवस्था में झालावाड़ लेकर आए थे, इनका इलाज चल रहा है। आगे की जांच सुनैल पुलिस करेगी। महिला के गले समेत अन्य जगह पर चोट आई है, जबकि सुरेश को भी पेट आदि जगह में चोट लगी है। महिला का पति का जो देहांत हो चुका है, फिलहाल सुनैल पुलिस इस मामले की जांच के बाद ही लड़ाई झगड़े का जो कारण है वो पता लगा पाएगी। ये सेमलिया थाना सुनैल क्षेत्र का मामला है। इसमें शामू भाई वैभव रमेश चंद मेघवाल निवासी सेमलिया व सुरेश सनोक चंद्रलाल मेघवाल निवासी सेमलिया दोनों घायल अवस्था में है। चाकूबाजी में एक दूसरे को चाकू मारा गया। अब ये तो घटना की जानकारी तो सुनैल एसएचओ बता पाएंगे, अपने यहाँ तो इलाज के लिए आए हैं, इलाज कर जा रही है इनका। टोंक जिले के डाडा तुर्की में राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर लगे बिजली के खंभे में करंट दौड़ने से शनिवार सुबह एक भैंस की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डाडा तुर्की चौराहे पर पहुंचकर सोरहेला डिग्गी स्टेट हाईवे 117 पर नाकाबंदी कर चक्का जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक स्टेट हाईवे पर जाम लगने से दोनों सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। जाम में टोंक से मालपुरा तथा मालपुरा से टोंक की ओर जाने वाली रोडवेज बसों सहित निजी वाहनों, ट्रक, कारों आदि की लंबी कतार लग गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समझाने में सफलता हासिल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।